सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW चैनल ऑफ IIT जाम एंड CSIR नेट। तो आज एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये सेशन स्पेशली रखा गया है कि भाई आपकी नेट से रिलेटेड जो भी बच्चे CSIR नेट को टारगेट कर रहे हैं, जून 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसी अपडेट के लिए आप देख ही सकते हैं ऑलरेडी मेरे पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन है मेंशन कि एग्ज़ाम डेट आउट है। एग्ज़ाम डेट तो वैसे भी आउट थी 25, 26 और 27, बट किस सब्जेक्ट का कब होने वाला है अब आपको ये पता चल जाने वाला है कि भाई कौन से सब्जेक्ट का पेपर कब होने वाला है, सुबह होने वाला है, शाम को होने वाला है। तो उसी अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें शेड्यूल कर सकते हैं। पैरेलली एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जिसमें ये बताया है कि आपका पेपर किस सिटी में होने वाला है ना। तो दोनों ही चीज़ें, इंटीमेशन ऑफ सिटी पता चल गया है आपको एंड ऑल्सो एग्जैक्ट डेट पता चल गई है, सुबह होगा शाम में होगा, ताकि आप अपना ट्रैवल उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकें। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या डेट्स हैं और कैसी किस सब्जेक्ट की कौन सी डेट है। एक बार डायरेक्ट करते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस है बेसिकली। अगर आप इस नोटिस को भी देखना चाहते हैं तो आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और सबसे पहले आपके पास अगर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर या इस PDF पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट इस्तेमाल करती हूँ। इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लाइफ साइंस का पेपर हर बार दो शिफ्ट में होता है, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। इस बार भी शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट, बट होने वाला है 25th of June को, ठीक है। उसके बाद भाई अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेस, उनका एग्ज़ाम होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट में 9 to 2। केमिकल साइंस का होने वाला है, सॉरी, केमिकल साइंस का होने वाला है भाई कब, 26th of June को। एंड फिजिकल साइंस का भी 26th of June को होने वाला है, लेकिन इवनिंग के शिफ्ट में होने वाला है, 3 to 6 में होने वाला है, ठीक है, 3 to 6 में होने वाला है। केमिकल साइंस वालों का होगा मॉर्निंग शिफ्ट में एंड फिजिकल साइंस वालों का होगा भाई किस में, इवनिंग के शिफ्ट में। एंड लास्टली मैथमेटिकल साइंस वालों का पेपर होने वाला है 27th of June को, जहाँ पर वो मॉर्निंग शिफ्ट में अपना पेपर दे रहे होंगे 9 to 12 में। तो अगर आप लोगों को कुछ भी क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत थी कि भाई मेरा पेपर सुबह होने वाला है, शाम होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल किसी को दूर ट्रैवल करना है तो अपना ट्रैवल पहले से ही प्लान कर सकते हैं। मैंने सिटी दूर की भरी थी सेंटर में, लेकिन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आप उस अकॉर्डिंग एक दिन पहले पहुँच सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। आई वुड फिर भी कंसीडर करेंगे कि आप एक घंटा पहले ज़रूर पहुँचिए। भागम भाग में कुछ नहीं होने वाला, हड़बड़ी में कुछ नहीं होने वाला, पैनिक और बढ़ेगा। तो अपने आप को रिलैक्स करिए, काम करिए और अकॉर्डिंगली अपना ट्रैवल शेड्यूल करिए। सफिशेंट टाइम है, आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं कि भाई सिटी कौन सी है आपकी, तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन रहता है भाई, है ना, लॉगिन का ऑप्शन रहता है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको अपनी सिटी भी पता चल जाने वाली है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए जो सबसे खास बात है वो ये है कि भाई आपका पेपर की डेट जो है वो फाइनली आ गई है। अब थोड़ा सा घबराहट और बढ़ रही होगी कि भाई अब तो पेपर की डेट भी आ गई है, सिटी भी पता चल गया है, थोड़े दिनों बाद एग्ज़ाम सेंटर भी फाइनली पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर होने वाला है। सिटी पता चल गई है तो वो भी पता चल ही जाने वाला है, है ना। अगर किसी बच्चे को डाउनलोड करने में कुछ समस्या होती है तो उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अगर किसी को कुछ समस्या है तो आप इस वेबसाइट पर राइट कर सकते हैं या हेल्प ईमेल कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर पर। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन की अगर आपको ज़रूरत है या किसी भी ऑफिशियल चीज़ को डाउनलोड करना है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चीज़ें करें, ठीक है। तो जाइए और प्लीज़ जल्दी से अपनी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करिए और लॉगिन करके प्लीज़ अपनी सिटी चेक करिए और अपने पेपर की तैयारी और बेहतर तरीके से करिए, पहले से और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ कि अब तो पेपर और पास आ गया है। तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होइए और ज़्यादा टाइम दीजिए थोड़ा सा रिवीजन को, थोड़ा सा प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम दीजिए और फाइनली अपने टाइम टेबल को शेड्यूल करते हुए कि पेपर इस टाइम पे होने वाला है, अपना टाइम टेबल भी वैसे ही शेड्यूल करिए कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप कोई ना कोई टेस्ट दे रहे हो। ये बहुत मतलब कह सकते हैं एक रिकमेंडेशन है, सभी लोग आपको देते हैं कि भाई अपनी बॉडी साइकिल उसी तरह से सेटल करना शुरू कर दीजिए जिस टाइम पे आपका पेपर होने वाला है। तो परफॉर्म करिए, अच्छे से क्रैक करिए अपने एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।